अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ शाहिनशाह अफरीदी की कप्तानी के हवाले से उनके जो है वो सुसर ने बड़ा बयान दिया, यानी शहाद अफरीदी का बड़ा बयान सामने आ गया है। शाहिनशाह अफरीदी के हवाले से आपको तमाम तर डिटेल से आगाह किया जाएगा। वीडियो को दोस्तों आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कौमी टीम के साबिक कप्तान शहाद अफरीदी अपने दामाद शाहिनशाह अफरीदी की हमायत में फट पड़े। साबिक कप्तान शहाद अफरीदी ने कराची में रमजान मुबारक की फुटबॉल टूर्नामेंट के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी सिलेक्शन कमेटी को खुद मुख्तार बनना दुरुस्त, लेकिन इसका सरबराह भी होना चाहिए। किसी गैर मुल्की को कौमी टीम का हेड कोच बनाने में कोई मुजायका नहीं। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला दुरुस्त है। मेरे रिटायरमेंट का फैसला लेने का वक्त गुजर चुका। पीसीबी में हर आने वाला समझता है कि उससे पहले आने वाले गलत काम किए। तब्दीली की बातें सामने आने से लगता है कि कप्तान बनाने का जो फैसला पहले किया गया था वो गलत था, या अब जो होगा वो गलत होगा। दोस्तों, यहाँ मौसम नकवी को उन्होंने सीधा निशाना बनाया है। इसके अलावा साबिक ऑलराउंडर ने कहा कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और ऑलराउंडर इमाद वसीम का रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कोई खिलाड़ी समझता है कि वह पाकिस्तान के लिए खदमात सर अंजाम दे सकता है तो उसे क्रिकेट खेलनी चाहिए। इसके अलावा कौमी सिलेक्शन कमेटी के हवाले से पूछे जाने पर सवाल के जवाब में साबिक टेस्ट कप्तान ने कहा कि जो है चेयरमैन पीसीबी का सिलेक्शन कमेटी को बाइख्तियार हो खुशाइंद और मुसर्रत कुन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सिलेक्शन कमेटी का सरबराह ज़रूर होना चाहिए। तहा सरबराह ना होने से कौमी टीम के इंतखाब से मुतल्लिक फैसला करने में मुश्किल होगी। मेरी राय है कि पहले ये जिम्मेदारी अदा करने वाले साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज इस जिम्मेदारी के लिए ज़्यादा मुनासिब है, उनको ही सिलेक्शन कमेटी का सरबराह होना चाहिए। तो आपने शहाद अफरीदी का शाहिनशाह अफरीदी के कप्तानी के हवाले से जो है वो बड़ा बयान सुना होगा। आपने उन्होंने कहा है कि तब्दील किया जाए, उन्होंने सीधा बनाया कि शाहिनशाह अफरीदी को थोड़ा सा वक्त दिया जाए। दोस्तों, आप शहाद अफरीदी के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे, जो आपने अपनी राय कमेंट में जरूर पेश करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान का कप्तान कौन होना चाहिए, बाबर आजम या शाहिन अफरीदी, आपने यह भी जरूर बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इसे लाइक करना मत भूलिएगा।